हे फ्रेंड्स, तो आज मेरी मम्मी बना रही है भरवा करेला, तो मैंने सोचा उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो चलो, सबसे पहले करेले को धो पोंछ कर उसका अगाड़ू पिछाड़ू काट के उसके पेट में इस तरीके से चीरा लगा दो। फिर थोड़ा सा पानी और नमक लेकर करेले को उबाल लो। लो जी, करेले तो सारे उबल गए। अब चलो इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो एक जार में आप लोगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, सरसों, धनिया और थोड़ा सा पानी डालकर उसको पीस लो। फिर सरसों तेल लो, उसमें हींग और जीरा का तड़का लगा दो। उसके बाद इसमें डाल दो मसाला। अब जब करेले ठंडे हो जाए तो उसका सारा बीजा निकाल कर फेंकना नहीं, एक जार में डाल लो। थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लो। कई लोग जो है बीजे को फेंक देते हैं, आप बिल्कुल नहीं फेंकना। फिर इसको जो है हमको मसाले के साथ पकाना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर जो है आप हल्दी, नमक, गरम मसाला वगैरह वगैरह सब डाल देना। अब देखो ये मैडम क्या कर रही है। तो करेले की स्टफिंग तो तैयार हो गई है, बस लास्ट में ना गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो। बस हो गया, सबको अच्छे से करेले को फिल कर दो इस तरीके से। और ये वाली जो करेले की रेसिपी है ना, ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। लगता ही नहीं है कि ये करेला है। एकदम कड़वा नहीं लगता। ऊपर से जब ये फ्राई हो जाता है ना, हे, जो उसकी लेयर क्रिस्पी होती है। और यहाँ ना मम्मी नमक स्प्रिंकल कर रही है। तो बस हमारा टेस्टी सा जो है भरवा करेला बनकर तैयार हो गया। आप भी जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये थोड़ा सा मसाला बच गया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो।